दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिंदी टेक न्यूज के एक और काफी अच्छे से और फ्रेश एपिसोड में। हमें लेकिन आपके लिए काफी सारी कमाल कमाल की टेक न्यूज। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए हमें पढ़ नए हैं तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करें आज की हमारी पहली टेक न्यूज की। तो यहाँ पर वो है व्हाट्सएप की तरफ से, और व्हाट्सएप की तरफ से भी एक बहुत ही अच्छा वाला फीचर आने वाला है, जहाँ पर व्हाट्सएप टेस्ट कर रहा है एक फीचर को जिसका नाम है चैट हिस्ट्री माइग्रेशन। यानी कि जैसे आपको पता है कि हम लोग कभी भी एंड्रॉयड से iOS में स्विच करते हैं या iOS से एंड्रॉयड में स्विच करते हैं तो जो चैट्स हैं उनको ले जाना पॉसिबल नहीं है फिलहाल के लिए सीधे तरीके से। मतलब और ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए हम अपने दोनों फोन को कनेक्ट कर लेंगे पीसी से, उसके बाद हम उसे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर एक फोन का बैकअप बना के दूसरे फोन में डाल सकते हैं। काफी सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं, पर सीधा तरीका यानी कि एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर स्टॉक तरीके से हम नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि हमारा जो एंड्रॉयड फोन है उसके ऊपर जो बैकअप बना सकते हैं हम लोग वो ड्राइव के ऊपर बना सकते हैं, और जो हमारा iOS फोन है उसके अंदर iCloud के अंदर। अभी दोनों कोई लिंक नहीं है, इसी वजह से हम लोग अपनी जो चैट हिस्ट्री होती है उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते। और ये चीज़ मेरे साथ भी पास्ट में हुई है, मेरी बहुत सारी चैट हिस्ट्री गई है इस चक्कर में। खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत सारे लोगों को होती है प्रॉब्लम। तो अभी फाइनली व्हाट्सएप इस चीज़ को अपने जो व्हाट्सएप है उसके अंदर फाइनली यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, और ये फीचर बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। थम्स अप। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर वो है टिम कुक की तरफ से, क्योंकि टिम कुक का अभी एक इंटरव्यू था जिसमें काफ़ी सारी क्वेश्चनिंग हुई है, उनसे आंसर दिए हैं, तो इंटरव्यू वही होता है। तो वहाँ पर अभी मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं मेन जो यहाँ पर थे, जहाँ पर एक में तो फेसबुक के साथ बात हुई है, जहाँ पर मतलब फेसबुक के बारे में बात हुई, जहाँ पर उन्होंने एक उनका जो बोल सकते हैं मार्क जुकरबर्ग है, उन्होंने ये जो आर्ग्यूमेंट थी सारी की सारी इस iOS 14 के फीचर के बारे में जो कि ट्रैकिंग के बारे में था, तो वहाँ पर उन्होंने उनकी उस आर्ग्यूमेंट को फ्लिमसी बोला, यानी कि हल्का बोला, यानी कि गलत बताया कि मतलब ये आर्ग्यूमेंट को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर आप लोगों को पैसे कमाने हैं, आपको अगर डिजिटल आपका डिजिटल एडवर्टाइजिंग से पैसे कमाने हैं तो आप कमा सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर लोगों को ट्रैक करना, उनके डेटा को ट्रैक करना उनकी जानकारी के बिना वो गलत है। क्योंकि जैसे आपको पहले बता चुका हूँ आपको पास में फेसबुक गूगल यहाँ पर लोगों को ट्रैक करते हैं, उनके डेटा को ट्रैक करते हैं, उसी तरीके से पैसे कमाते हैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट दिखा के। तो उन्होंने बोला है कि ये चीज़ गलत है कि आप किसी को बिना बताए उनकी ट्रैकिंग कर रहे हो, उनके डेटा की ट्रैकिंग कर रहे हो, उसके अलावा पैसा कमाया जा सकता है, ये चीज़ बोली है। प्लस इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर एलन मस्क के बारे में है, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था जहाँ पर एक बोल सकते हैं पहले पास में ऐसी चीज़ें आई हैं निकल के कि जो एलन मस्क हैं वो एक बार टिम कुक के पास में गए थे अपनी टेस्ला जो उनकी कंपनी है उसको लेकर कि उन्हें वो सेल करनी थी, क्योंकि उस टाइम पे टेस्ला की हालत ठीक नहीं थी और वो उसे सेल करना चाहते थे टिम कुक को, पर टिम कुक ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। और बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हुई हैं कि अगर स्टीव जॉब्स होते तो वो उसको खरीद लेते, वो फ्यूचर देखते थे, जो भी चीज़ें हैं। खैर और बोला था कि टिम कुक ने खरीदने से मना कर दिया था, अभी ये चीज़ कन्फर्म नहीं है, मुझे भी कन्फर्म नहीं है कि चीज़ यहाँ पर जो एलन मस्क है उन्होंने बोली है या नहीं बोली है, ऐसी न्यूज़ है सिर्फ, ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पर जो टिम कुक उन्होंने बोला है कि ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ और ना ही वो मेरे पास में आए हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इस चीज़ को कि उन्होंने काफ़ी अच्छी कंपनी बनाई है और इतनी अच्छी तरीके से बिल्ड की है, इतनी बड़ी कंपनी बिल्ड की है, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये सीधे सीधा मतलब है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और ये सारी न्यूज़ है, ये सब गलत है, और आप लोग को भी ध्यान देते हैं चीज़ के बारे में। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर गूगल और आईफोन, यानी कि गूगल और एप्पल दोनों की तरफ से है बोल सकते हैं, क्योंकि सबको याद हो कुछ दिन पहले मैंने बताया था एक स्टडी के अंदर पता चला है कि जो गूगल है वो 20% या 20 टाइम्स ज़्यादा डेटा शेयर करता है जो कि iOS फोन होते हैं उनसे कम, यानी कि इसके अंदर कंप्लीट चीज़ जो थी मैं आपको आज बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग सेटअप करते हैं अपने स्मार्टफोन को, उस टाइम पर जो भी डेटा मांगा जाता है, जो भी पॉलिसीज प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग था ये, कि जहाँ पर एक स्टार्टअप को कंप्लीट होने में जो गूगल है वो 20 टाइम्स ज़्यादा डेटा कलेक्ट करता है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे आईफोन से। हम लोग आईफोन को भी सेटअप करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन को भी सेटअप करते हैं, और जहाँ पर गूगल का जो एंड्रॉयड है वो ज़्यादा डेटा आपसे कलेक्ट करता है, आईफोन उसके मुकाबले में बहुत ही कम, जिसमें KB में था नंबर जो कि लगभग आपका 42 KB के आसपास का डेटा लेता है, और जहाँ पर जो गूगल के फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं वो लगभग आपका 1 MB के आसपास का डेटा रिसीव करते हैं। अभी आपको नंबर छोटे लग रहे होंगे पर इसके अंदर काफ़ी सारी डिजिट्स होती हैं, काफ़ी सारा डेटा आ सकता है, तो 20 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर डेटा कलेक्ट करता है एंड्रॉयड फ़ोन। इसके अलावा एक चीज़ और थी जहाँ पर एक मतलब स्टडी में पता चला है कि दोनों ही जो हैं एंड्रॉयड और iOS दोनों ही यहाँ पर लगभग हर 4 से 4.5 मिनट के अंदर, ये एवरेज है, आपका डेटा
कलेक्ट करते हैं, दोनों कंपनी कलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर IMEI नंबर, सिम का नंबर होता है, मतलब सिम का IMEI नंबर होता है और हेडसेट का IMEI नंबर होता है, और जो आपके डिवाइस हैं ईयरफोन डिवाइस उनका IMEI नंबर होता है, वो भी कलेक्ट किया जाता है दोनों ही कंपनी के द्वारा। अभी इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें आपको कोई खतरे वाली बात भी नहीं है, बाकी हाँ ये भी चीज़ पता चली है दोनों ही दोनों के बारे में, आईफोन्स के बारे में, एंड्रॉयड के फ़ोन्स के बारे में भी। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर वो भी टिम कुक की तरफ से है जिसके बारे में पहले बात कर रहा था मैं, जिसमें एक क्वेश्चन और भी था कि जो टिम कुक हैं क्या वो अगले 10 साल में भी एप्पल के साथ ही हैं या फिर कहाँ पर देखते हैं खुद को। तो यहाँ पर टिम कुक ने बोला है कि नहीं, मुझे, मैं अभी यहाँ पर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, मेरी पोजिशन जो भी है, पर मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में मैं एप्पल में हूँगा। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि हो सकता है कि वो कंपनी छोड़ दें, रिटायर हो जाएं, कुछ और चीज़ स्टार्ट कर दें। तो मतलब अगले 10 साल के अंदर अंदर हो सकता है कि टिम कुक एप्पल में ना रहें, जो कि एक बैड न्यूज़ है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे भी टिम कुक पर्सनली पसंद है, तो ये चीज़ है। और उन्होंने बोला कि मतलब मुझे काफ़ी अच्छा, मेरे को अभी भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी पोजिशन पर हैं क्योंकि वो CEO हैं, और इसके अलावा 23 साल वो काम कर चुके हैं एप्पल में, पर उन्हें ऐसा लगता है कि अगले 10 साल काफ़ी बड़ा पीरियड है जहाँ पर हो सकता है कि वो एप्पल में ना हो। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर वो है महिंद्रा की तरफ से, और महिंद्रा की तरफ से फाइनली भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कि वो भी EVs के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी लगभग 3,000 करोड़ की। और ये अगेन एक और कंपनी निकल के आई है जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि और भी ब्रांड्स हैं जो कि इस सेक्टर में ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। तो अभी महिंद्रा एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिन्होंने अभी ऑफिशियली, उनके CEO ने स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग भी अभी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं लगभग 3,000 करोड़ का, क्योंकि EVs ही यहाँ पर फ्यूचर है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अभी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अच्छा है कि हमें कॉम्पिटिशन अच्छे खासे मिल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक ही कंपनी ने यहाँ पर इनिशिएट किया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएंगे। जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कंपनीज वहाँ पर और सस्ते करेंगे अपने व्हीकल को, और अच्छे तरीके से और अच्छे आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड होंगे यहाँ पर, अच्छे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड होंगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसमें महिंद्रा भी एक नाम जुड़ गया है अभी। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर वो है LG की तरफ से, और अभी फाइनली यहाँ पर डेट निकल के आ चुकी है कि जहाँ पर अभी LG बंद हो जाएगा। LG मतलब कंप्लीट LG नहीं, LG का जो यहाँ पर फ़ोन सेक्टर है, यानी कि जिनका फ़ोन वाला बिजनेस है, उसको वो शट डाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बोला है कि इनक्रेडिबली यहाँ पर कंपेटिटिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर रहना, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड हो चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फ़ोन्स को लेके आया जा रहा है, जहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे, मैं बहुत बार जो कंपैरिजन करता हूँ तो डिफरेंस बहुत ही कम होता है, बहुत बार तो 100 रुपये का डिफरेंस होता है, और उसके अंदर कितने सारे फीचर्स चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है और कंपेटिटिव बन गया, इसी वजह से LG यहाँ पर नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पर वो लॉस में चल रहे हैं अपने फ़ोन बिजनेस की वजह से। तो यहाँ पर वो अभी इसे शट डाउन करें, जो कि डेट है यहाँ पर 31 जुलाई। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मतलब उनके पास और भी काफ़ी सारे सेक्टर हैं जहाँ पर काम करेंगे अभी वो, ऐसा नहीं कि LG पूरी बंद हो रही है। यहाँ पर रोबोटिक्स हैं, यहाँ पर उनके पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 6G के ऊपर काम करना है, इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके कंपोनेंट्स में काम करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और उसके ऊपर वो काम करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, और जो इनका बिजनेस है ये स्मार्टफोन वाला, इसको बंद कर देंगे वो 31 जुलाई को, जो कि थोड़ी सैड न्यूज़ है, पर कोई बात नहीं। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर वो है अभी HP की तरफ से, जहाँ पर HP ने क्रोमबुक यहाँ पर लॉन्च की है, जिसका मॉडल नंबर है 11A। अगर बात करें इसकी, तो ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है लगभग 22,000 की प्राइसिंग के साथ, और ये स्पेशली टारगेट किया गया है बच्चों के लिए, यानी कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर अटेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 11.6 इंच की HD टच डिस्प्ले मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको क्रोम OS मिलेगा, जो कि विंडोज़ नहीं मिलेगा। अगर कोई सोच रहा हो कि हम विंडोज़ लैपटॉप लेने वाले हैं, क्रोम OS मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4GB रैम, 64GB इंटरनल मिलेगा, और 256GB की एक्सपेंडेबल स्टोरेज है। इसके अलावा इसके अंदर आपको 100GB की क्लाउड स्टोरेज मिलेगी गूगल की तरफ से, जो कि फ्री है, यानी कि आप लोग अगर क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हैं तो 100GB आपको फ्री मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो गूगल वन है उसका सपोर्ट मिलेगा, जो कि फ्री है 1 साल के लिए। गूगल वन में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, उन सबको यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है एज अ बंडल। तो एक काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर अपने बच्चों को एक लैपटॉप प्रोवाइड करना चाहते हैं, और लैपटॉप मतलब प्रॉपर फुल फ्लैश्ड वाला नहीं, पर हाँ इसमें ऑनलाइन क्लासेज ईजीली यहाँ पर अटेंड की जा सकें, और भी काफ़ी सारे काम किए जा सकें, छोटे मोटे लाइट वर्क किया जा सके, टाइपिंग की जा सके। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, आप लोग देख सकते हैं, लॉन्च हो चुका है, जो कि 22,000 रुपये का है, और मेरे हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको ये। बात करें आज की हमारी आखिरी टेक न्यूज़ की, यहाँ पर लिनोवो की तरफ से, और लिनोवो की तरफ से लिनोवो का लीगेंड 2 प्रो यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, जो कि 8 अप्रैल को होगा।
जहाँ तक पता है यही होना चाहिए, क्योंकि एंटूटू के ऊपर एंटूटू का अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 अप्रैल ही है इसकी आने की डेट, तो 8 तारीख को ये आ सकता है 8 अप्रैल को। अगर बात करें स्मार्टफोन की तो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, गेमिंग स्मार्टफोन है क्योंकि पीछे भी आप देख सकते हैं डिजाइन में किस तरीके का मिलता है आपको, और इसके अंदर आपको लगभग 5500 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी मिलेगी, यानी कि 5500 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर आपको 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जो कि 110 वॉट भी हो सकती है, 90 वॉट भी हो सकती है, अभी कन्फ्यूजन है, पक्का नहीं है। क्योंकि इसके अलावा काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स होंगे, स्नैपड्रैगन 888 फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा, कूलिंग के लिए स्पेशल यहाँ पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनीज अलग अलग कंपनीज हैं वो यहाँ पर वो कूलिंग चेंबर बना रही है, उन चेंबर्स को बड़ा कर रही है कूलिंग के लिए, पर यहाँ पर तो लिनोवो ने क्या किया है, पीछे छोटा फ़ैन ही लगा दिया, फ़ोन के अंदर फ़ैन मिलेगा आपको, यानी कि जहाँ तक वो देखने से लग रहा है वो एकदम जो आपका प्रोसेसर है प्रोसेसर के एकदम ऊपर की साइड छोटा सा फ़ैन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, जो कि फ़ोन को ठंडा रखेगा, प्रोसेसर को ठंडा रखेगा, जिससे कि आपका एक लॉन्ग सेशन के अंदर आपका जो फ़ोन है वो लैग ना करे गेम खेलते टाइम। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीज़ों की जो आपको नहीं पता होंगी तो बता देता हूँ कि अगर हम लोग गेम खेल रहे होते हैं या कोई भी टास्क कर रहे होते हैं किसी पीसी पे या फिर फ़ोन के ऊपर, स्पेशली फ़ोन की बात करें, तो वहाँ पर कोई कूलिंग नहीं होती अलग से, तो वहाँ पर आपका जो पीसी है वो अंडर लोड चलाता है, यानी कि अंडर क्लॉक हो जाता है ज़्यादा लोड के बाद वो, यानी कि हम लोग गेम खेल रहे हैं फ़ोन गर्म हो रहा है प्रोसेसर गर्म हो रहा है हीट निकल नहीं रही है, तो वहाँ पर अंडर क्लॉक हो जाता है वो, और फिर आपको लैग देखने को मिलता है। उस चीज़ से बचने के लिए अलग अलग जो कूलिंग चेम्बर है बनाए जाते हैं, जिसको बड़ा भी किया गया है अभी रिसेंट वाले काफ़ी सारे फ़ोन्स के अंदर, अलग अलग तरीके आजमाए गए हैं जिससे कि उनका फ़ोन ठंडा रह सके और अच्छे से हीट निकल सके। तो अभी यहाँ पर इन्होंने फ़ैन ही लगा दिया है फ़ोन के अंदर ही, क्योंकि छोटा सा है, पर अगर छोटा सा है तो इसका मतलब एकदम ये आपका प्रोसेसर के ऊपर ही होगा। देखते हैं स्मार्टफोन आएगा तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा, इसका इंतजार है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारी टेक न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। तो टेक न्यूज़ नंबर 130 खत्म होती है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बोलता हूँ आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।